समोसा हम सभी लोगों का फेवरेट स्नैक्स होता है। बच्चे हों या बड़े हों, सभी शौक से खाते हैं। तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल में खस्ते खस्ते समोसे की रेसिपी। हाय फ्रेंड, मैं हूँ राना, आपका स्वागत है राना'स कुकिंग कॉर्नर में। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहेंगे घर पर हलवाई जैसा समोसा कैसे बनाएं? यह बनाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1/2 kg आलू ले लिया है, इसको बॉयल पहले ही कर लिया है। इसको अच्छे से मैश कर देना है। हाथ ही से मैं कर रही हूँ, आप मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एकदम महीन नहीं करना है। कुछ टुकड़े बड़े रखना है, कुछ टुकड़े छोटे रखना है। देखिए, इसी तरह मैंने मैश कर लिया है। कुछ टुकड़े छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। अब इस पर मैं कुछ और ऐड करूँगी। ये 6 ग्रीन चिली को मैंने महीन महीन काट लिया है, और ये 4 लहसुन की कलियाँ को महीन महीन काटा है, और ये 1 टुकड़े अदरक को महीन महीन काट लिया है 1/2 tablespoon, और 2 tablespoon मैंने महीन महीन धनिया पत्ती को काट लिया है। सब इस पर डाल देना है। इसके बाद ये मैंने ले लिया 1/2 tablespoon हल्दी डस्ट, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर डस्ट, और 1/2 tablespoon धनिया डस्ट। सब इस पर डाल देना है। अब मैं गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ। इसमें 1 छोटी प्याली ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल है। यहाँ पर फोड़न के लिए मैंने थोड़ा हींग लिया है, थोड़ा पचफोड़न है। 1 तेज़पत्ता को 2 टुकड़े में कर दिया है मैंने, और 1 सूखी मिर्च को भी 2 टुकड़े में कर दिया है। अब इसमें डाल देना है। डाल के धीमे आँच पे चटक जाए हल्का सा, तब ध्यान रहे फोड़न जल नहीं पाए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हो गया। इस पर जो मैंने मसाला सब आलू पर डाल के रखा था, वो सब इसमें ऐड करेंगे। सब डाल के इसको अच्छे से चला देना है। अब यहाँ पे मैं 1 tablespoon नमक ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने आलू बॉयल किया था उसमें भी नमक दिया था। आप टेस्ट के अनुसार नमक और रेड चिली पाउडर टेस्ट के अनुसार आप डालिएगा। इसको कवर कर देंगे। देखिए 1 मिनट के बाद फिर मैंने कवर हटा दिया। देखिए ये तैयार हो रहा है। इसको ऐसे चला देना है। आप कुछ मोटा मोटा टुकड़ा रह जाएगा, 1-2 टुकड़े को आप मैश कर सकते हैं। देखिए ये झटपट से बन जाता है इसका स्टफिंग समोसे का। 2 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया। देखिए फिर से 2 मिनट फिर मैंने कवर हटाया है। देखिए इसको अच्छे से चला देना है। देखिए ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा बादाम को फ्राई करके रखा था, वो ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और नहीं भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से चला लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा चाट मसाला ऐड करेंगे, 1/2 tablespoon। आप चाहें तो इस जगह पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, अगर वो नहीं है तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। आप तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से चला देना है। देखिए ये रेडी हो गया है। इस पर थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ मैं डाल देती हूँ। ये समोसा का स्टफिंग रेडी हो चुका है। अब समोसा के आउटर कवर के लिए एक डो तैयार करना है। उसके लिए मैंने 2 cup मैदा ले लिया है, और इसमें 1/4 tablespoon मंगरेला ऐड करेंगे, और 1/4 tablespoon अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालना है, 2 tablespoon नमक। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल डाली हूँ 10 tablespoon। आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, या डालडा में भी डाल के बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मैदा और ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, उसके बाद ही पानी डालें। मुझे लग रहा है इसमें और ऑयल पड़ेगा, तो मैंने 4 tablespoon और ऑयल डाल दिया। यहाँ पे फिर से अच्छे से मिक्स करना है, 3 से 4 मिनट तक करना है।
इतना मिक्स करें कि मैदा का टेक्सचर चेंज हो जाए और हाथों में थोड़ा दबाएं और इस तरह का लड्डू की तरह होने लगे तो परफेक्ट ऑयल मैदा में मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त डो तैयार करना है, एकदम पूरा सख्त नहीं कि बेलने में किनारे किनारे फट जाए, अन्ना एकदम सॉफ्ट की नरम रहे, बीच का सख्त डो तैयार करना है। इसी तरह पानी डाल डाल के मैंने कर लिया है। ऐसे 1 टेबल स्पून ऑयल और डालेंगे, टोटल 15 टेबल स्पून हो गया, 10 पहले बाद में 4 फिर 1, 15 टेबल स्पून इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसको अच्छे से मिचाड़ लेना है। देखिए डो परफेक्ट एकदम तैयार हो चुका है। इसे रेस्ट करने के लिए मैं रख दूँगी 5 से 10 मिनट तक। 10 मिनट्स हो चुका है, अब मैं इसका लोई बना लेती हूँ। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, अगर आप रेस्ट करने जो रख देते हैं डो को, तो इसमें जो मैंने रोवन डाला है ऑयल, जो रोवन जिसको बोलते हैं, और नमक, सब मैदे में अच्छे से सेट हो जाता है, तो समोसा एकदम हलवाई जैसा खस्ता खस्ता बनता है, एकदम बहुत मज़े वाला बनता है। देखिए इसी तरह मैं सारा लोई बना ले रही हूँ। अब मैं इसको बेल लेती हूँ। देखिए इसी तरह बेल लेना है और इसका ध्यान रखना है लेयर ज़्यादा न मोटा रखना है न ज़्यादा पतला। अगर ज़्यादा मोटा रखिएगा तो फ्राई करने में कच्चा रह जाएगा और पतला रखिएगा तो गुगु वाला बन जाता है। देखिए इसी तरह मैंने बेल के बीच से कटिंग कर लिया है। देखिए अब कटिंग करके सब बेल के मैंने रख लिया। अब ये स्टफिंग है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है बस। इसको पानी मैंने थोड़ा सा ले लिया है, अब किनारे किनारे एजेस में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। देखिए हल्के हाथों से पानी किनारे किनारे लगा देना है। इसको कोन का शेप देना है। देखिए हल्के हाथ से दबा दबा के इसको अच्छे से पानी लगा के दबाना है अच्छे से इसको, क्योंकि इसको अच्छे से प्रेस करें वरना फ्राई करने में खुल जाए हाथ में। फिर लेके इसको जैसे आइसक्रीम का कोन लेके खाते हैं ना आइसक्रीम, उसी तरह हाथ में लेके इसमें समोसा वाला जो स्टफिंग मैंने तैयार किया था वो इसको भर देना है। इसको देखिए इसको ऐसी तरह डाल देना है। अब मैं पनीर डाल ले रही हूँ इसमें, ये ऑप्शनल, आप चाहें तो डालें, अन्य भी डाल सकते हैं उस पर से। और मैं स्टफिंग डाल रही हूँ, उसको हल्के हाथ से प्रेस करें अच्छे से, प्रेस करके अब इस किनारे किनारे फिर पानी से किनारे किनारे लगा देना है, किनारे किनारे एजेस में अच्छे से लगा के। बस इसको कुछ नहीं करना, बस इसको इस तरह से ऐसे रख के हल्के हल्के फिंगर से दबाएं। देखिए ये अच्छे से रेडी हो गया है, एकदम देखने में अच्छा लग रहा है। मैंने कि ये खड़ा रहेगा, ये गिरेगा ही नहीं। इसी तरह रख लेना है, फिर दूसरा ले लेना है। इसको फिर उसी तरह कोन के तरह किनारे किनारे एजेस में पानी लगा के हल्के हल्के इसको प्रेस करना है। अब इसमें स्टफिंग फिर से डालेंगे, समोसा का स्टफिंग, फिर पनीर डाल देना है, फिर स्टफिंग डाल देना है, फिर किनारे किनारे एजेस में थोड़ा सा पानी लगा लेना है, फिर इसको हल्के हल्के दबा देना है फिंगर से। ये रेडी हो चुका है। इसी तरह फिर नेक्स्ट करना है। इसी तरह देखिए फ्राई के लिए रेडी हो चुका है सब। गैस ऑन करना है। अब इसमें एक कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, अब इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको धीमी आंच पे बनाना है। देखिए गरम हुआ, हल्का गरम रहना, तेज़ आंच पे नहीं करना, ये मीडियम ही आंच पे होता है फ्राई। आपने हलवाई लोग को देखा होगा मीडियम ही आंच पे सब बनाते हैं, डीप रहता है ऑयल में और वो धीमे धीमे आँच पर होता रहता है। ये हल्का गर्म है, इसको हम डाल दे रहे हैं इसमें धीमी धीमी आँच पर। देखिए एक साइड हो जाएगा, इसको उलट पुलट कर लेना है। आँच एकदम तेज़ मत रखिए, अगर तेज़ कीजिएगा तो ऊपर का खड़ा हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा, वो खस्ता वालापन नहीं आएगा, जो खस्ता आता है ना हलवाई वाला वो नहीं आएगा। ऐसी धीमी आँच पे इसको उलट पुलट करते रहना है।
देखिए ये फ्राई हो गया है। देखिए ये रेडी हो गया, देखने में लग रहा है ना टेस्टी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और जगह खाली जो हुआ जो बचा हुआ था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, वो भी धीमे आंच पे होता रहेगा। अब बाकी हुई हम निकाल लेते हैं। देखिए वो मैंने निकाल लिया है, फिर इसको भी मैं धीमी आंच पे फ्राई कर ले रही हूँ उलट के, उलट पलट के। देखिए ये भी तैयार हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। देखिए देखने में लग रहा है ना बहुत मज़ेदार टेस्टी, इसी तरह हलवाई जैसा खस्ता समोसा बनके तैयार हो चुका है। चलिए मैं इसे तोड़ के दिखलाती हूँ ये कितना खस्ता हुआ है। देखिए तुरंत बीच से ब्रेक हो गया, एकदम खस्ता टेस्टी सा समोसा तैयार हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ।